Hello everyone, welcome to IVIPSA Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 10 subject English unit 2 reading B excuses. And today's video lecture we will see comprehension. So let's start. Write against each statement whether it is true or false and give reasons for your opinion. So, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और पढ़ कर के ये जानना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, और यदि फॉल्स है या ट्रू है तो उसके लिए कुछ रीजंस देने हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट, बिनकिन शॉप हैड 4 ग्रैंड मदर्स, ऑल ऑफ देम वर डेड. क्या ये सही है? मीन्स बिनकिन शॉप के 4 यानी 4 ग्रैंड मदर्स थे, यानी उनकी 4 दादियाँ थीं. ऑल ऑफ देम वर डेड, और सभी की मृत्यु हो गई थी, सभी मर गए थे. सो यहाँ पे ये होगा फॉल्स. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक्सक्यूज कर रहा था, सिर्फ बहाने कर रहा था. रियल में उसके 4 ग्रैंड मदर्स नहीं थे. एंड बिनकिन शॉप्स हैंड वॉज एचिंग एंड दैट इज वाई ही डिड नॉट आयरन द यूनिफॉर्म. यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिनकिन शॉप जो लड़का है उसके हाथों में खुजली हो रही थी, और जिसकी वजह से वो अपनी क्लोथ को प्रेस नहीं कर पाया, आयरन नहीं कर पाया. सो ये भी फाल्स है क्योंकि वो झूठ बोल रहा था. मीन्स, और उसके हाथ में दर्द है ऐसा वो बहाना किया था. ये खुजली वाली बात वो नहीं बताया था. मीन्स उसको ये था कि उसके हाथ में प्रॉब्लम थी, इट मीन्स उसके हाथ में दर्द था. थर्ड है, बिनकिन शॉप वॉज अफ्रेड ऑफ द मैथ्स टेस्ट सो ही मेड एन एक्सक्यूज. यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिनकिन शॉप जो है वो मैथ्स के टेस्ट से डरता था. अफ्रेड ऑफ मीन्स होता डरना, वो डरता था, और जिसकी वजह से इसीलिए वो क्या किया था, वो बहाना बनाया था, मेड एन एक्सक्यूज. ये सही बात है, वो बहाना बनाया था क्योंकि वो मैथ्स के टेस्ट से डरता था. सो ये होगा ट्रू. नेक्स्ट है, बिनकिन शॉप डिड नॉट लाइक फिजिकल एजुकेशन एंड दैट इज व्हाई ही वाज ऑलवेज लेट. सही बात है कि जो बिनकिन शॉप है वो फिजिकल एजुकेशन को पसंद नहीं करता था, और जिसकी वजह से वो क्या करता था, वो लेट से पहुंचता था स्कूल हमेशा. सो ये होगा ट्रू. नेक्स्ट है, द टीचर बिलीव्ड दैट बिनकिन शॉप वॉज टेलिंग द ट्रूथ अबाउट हिज ग्रैंड मदर. क्या जो टीचर थे वो बिनकिन शॉप पर बिलीव करते थे कि ये जो बिनकिन शॉप जो भी बता रहा है अपने ग्रैंड मदर के बारे में, क्या वो सही है? तो वो विश्वास नहीं करते थे, उनको पता था, जो टीचर थे उनको पता था कि ये बहानेबाजी कर रहा है. सो ये होगा फॉल्स. नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. जहाँ ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, 3 वर्ड्स में से कौन से सही हैं, उन सही वर्ड्स को हमें इन ब्लैंक में लिखने हैं. सो फर्स्ट है, एज बिनकिन शॉप वॉक्ड इन टू क्लास द टीचर सेड लेट अगेन बिनकिन शॉप. द यूज ऑफ द वर्ड अगेन शोज दैट द टीचर वॉज ब्लैंक विद बिनकिन शॉप. जो बिनकिन शॉप था वो जो है लेट से स्कूल पहुंचता है, तो जो उनके जो टीचर है वो फिर से कहते हैं लेट अगेन, फिर से तुम लेट हो गए. इसका मतलब ये है कि जो टीचर है वो क्या शो कर रहे थे, मीन्स जो टीचर है वो बिनकिन शॉप से वो क्या थे, यानी क्या शो हो रहा था इससे. तो वो क्या टीचर जो है वो सरप्राइज थे, या एनोयड थे यानी एंग्री थे, या फिर डिसअपॉइंटेड थे. सो यहाँ पे आ जाएगा एनोयड, वो नाराज थे, ये वाला करेक्ट. नेक्स्ट है, बिनकिन शॉप सेड दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज सीरियसली डेड व्हेन हिज टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज लेट टू स्कूल. दिस मीन्स दैट ही वॉन्टेड द टीचर टू ब्लैंक पनिश बिलीव एक्सक्यूज हिम. बिनकिन शॉप ने कहा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो सीरियसली उनकी डेथ हो गई है, तब उनके टीचर ने पूछा कि तुम लेट
स्कूल क्यों आए हो, तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट ही वॉन्टेड द टीचर टू, वो क्या चाहता था, बेंकेलसॉप क्या चाहता था कि उनके जो टीचर है वो क्या करे, उनको उसको पनिश करे कि बिलीव करे या फिर एक्सक्यूज यानी माफ़ करे। तो वो लड़का चाहता था कि उसकी जो टीचर है वो क्या करे, एक्सक्यूज करे, यानी उसकी जो टीचर है वो माफ़ करे, लेट आने के लिए माफ़ करे उसे, ये वो लड़का चाहता था। नेक्स्ट है, द टीचर रिमार्क्ड दैट मेक्स फोर ग्रैंड मदर्स दिस टर्म, दिस मीन्स दैट बेंकेलसॉप ब्लैंक हैड फोर ग्रैंड मदर्स, हैड बीन लेट फोर टाइम्स, हैड फोर एक्सक्यूजेस। टीचर ने रिमार्क किया कि दैट मेक्स फोर ग्रैंड मदर्स दिस टर्म, दिस मीन्स द बेंकेलसॉप, बेंकेलसॉप का क्या मतलब था कि उनकी जो फोर ग्रैंड मदर्स थी उनका मतलब क्या था, उनका ये मतलब था कि वो हैड फोर एक्सक्यूजेस, उनकी एक्चुअल में उसकी चार ग्रैंड मदर्स नहीं थी बल्कि उसके पास चार एक्सक्यूजेस थे, चार बहाने थे जो कि सेम टाइप के, क्योंकि वो हर बार वही कहता था कि मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो ये वाला आंसर सही होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा हैड फोर एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट है, बेंकेलसॉप कुडंट आयरन हिज शर्ट बिकॉज ही हैड अ बैड हैंड। बैड हैंड मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेंकेलसॉप जो है अपनी शर्ट को वो आयरन नहीं कर सका या प्रेस नहीं कर सका क्योंकि उसके पास उसके बैड हैंड था। बैड हैंड का यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, ही वॉज इंजर्ड, ही आयरन बैडली या फिर ही हैड डर्टी हैंड्स। यहाँ पे आ जाएगा कि उसके हाथ में चोट आई थी, दर्द था, सो ही वॉज इंजर्ड, ये मीनिंग निकलेगा क्योंकि वो यही बहाना किया था, इंजर्ड। सो इस तरह से। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, वही वाला है, बेंकेलसॉप्स टीचर आस्क्ड हिम व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम, दिस मीन्स दैट ही बिलीव्ड दैट बेंकेलसॉप वॉज, जो टीचर है उन्होंने पूछा कि इस बार क्या बहाना है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि जो बेंकेलसॉप था वो टेलिंग द ट्रूथ, क्या वो सही बोल रहा था या अपने टीचर को मूर्ख बना रहा था या फिर डाइवर्टिंग अटेंशन, क्या ध्यान आकर्षित कर रहा था, ध्यान को इधर से उधर डाइवर्ट कर रहा था, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, वो फूल कर रहा था अपने टीचर को, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, फूलिंग हिम। सो इस तरह से आंसर्स हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, फाइंड अदर वर्ड्स विथ विच यू कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पे जो अंडरलाइन जो वर्ड्स है उनकी मीनिंग क्या है, जैसे नॉट माई फॉल्ट सर, तो यहाँ पे जो फॉल्ट वर्ड आया है इस फॉल्ट का मीनिंग क्या है, इस फॉल्ट का मीनिंग है मिस्टेक, इस तरह से। नेक्स्ट है, सी इज सीरियसली डेड, ऑल राइट सर, यहाँ पे सीरियसली का मतलब क्या है, सीरियसली का मतलब है रियली, वैसे ही आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर। अब यहाँ पे जो अपसेट वर्ड आया है, अपसेटिंग, इसका मतलब क्या है, डिसकंसर्टिंग, मीन्स परेशान करने वाली बात। इट हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, तो लुकिंग फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स होगा प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर, इस तरह से। बैड हैंड सर, बैड हैंड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बैड हैंड का मतलब होगा पुअर हैंड,
सो इस तरह से आज हमने अपने कॉम्प्रहेंसन को कंप्लीट कर लिया है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.